मछली अच्छे से फ्राई हो चुकी है अब। तो ये हमारा फिश है। हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं पूनम कुमारी और पूनम ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं फ़िश करी बनाने वाली हूँ, तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। अभी हम आंगन में हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, तो यहाँ काफ़ी अच्छा सा लग रहा है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइस, ये नीम का पेड़ है और यहाँ काफ़ी अच्छी हवा भी आती है। अब हम चलते हैं फिश बनाने के लिए, टेस्टी फिश। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है और यहाँ बन रहा है चावल, जो कि ऑलमोस्ट होने को है। और इसे हमारे झारखंड में भात भी बोलते हैं। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं सरसों का तेल। तो ये हमारा फिश है, जिसे हमने हल्दी, नमक और लहसुन का पेस्ट के साथ इसे मिक्स करके इसे थोड़ी देर हमने रखा है। तो अब इसे हम फ्राई करते हैं। मछली अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। सो गाइस, एक साइड हमारी फिश फ्राई हो रही है और एक साइड हम मछली की ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो इस साइड हो रही है फिश फ्राई और इस कढ़ाई पे हम मछली की ग्रेवी का तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें जीरा और लाल मिर्च डालेंगे। ये आधी लहसुन का पेस्ट है, तो इसे अब हम डालते हैं। और ये प्याज की पेस्ट है, तो इसे भी हम डालते हैं। तो गाइस, मुझे मछली बनाना नहीं आता है, तो मैं पूनम जी से सीख रही हूँ मछली बनाना। और काफ़ी टेस्टी सा लग रहा है मछली देखने में, काफ़ी अच्छा बनेगा ये, काफ़ी टेस्टी। और नीलम को नहीं आता है, तो मैं इसे सिखा रही हूँ कि कैसे बना। तो अभी गर्मी भी बहुत हो रही है और यहाँ पर किचन में और यहाँ पर गैस के पास भी बहुत गर्मी लग रही है, पर कोई नहीं, देखते हैं कब तक बनता है। और मछली बहुत टेस्टी बन रही है। नीलम का फेवरेट है, मेरा फेवरेट है, नीलम का फेवरेट है मछली, तो इसीलिए आज हम मछली बना रहे हैं। तो मैं आ गई हूँ बाहर, माँ बोली कि पूनम दी बाहर है, तो कहाँ है पूनम दी, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर पूनम दी नारियल पानी पीने की तैयारी हो कर रही है। हाँ, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है मुझे, तो मैंने सोचा कि चलो नारियल पानी पी लेते हैं, इसीलिए बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा पीना है। हाँ, तो हम इस पहले से पी लेते हैं, इसके बाद मिलते हैं आप लोग से। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है मुझे नारियल पानी। अभी गर्मी के टाइम में सभी को पीना चाहिए, इससे बॉडी हाइड्रेट रहती है। अब नीलम भी कोकोनट वाटर पीने लगी, इसे भी मन करने लगा पीने का, तो पी करके आना, मैं जा रही हूँ। तो चलो मैं चलती हूँ और देखती हूँ आगे का क्या करना है। तो मसाला काफ़ी अच्छे से भुन चुका है, हमारा मछली फ्राई हो चुका है और ये हमने थोड़े से आलू भी फ्राई कर लिए हैं, इसे भी हम डालेंगे। और ये जो हमारा मसाला है आधी लहसुन का पेस्ट, ये भी अच्छे से भून चुका है। इसमें अब इसमें हम हल्दी डालेंगे और ये नमक और ये सारे मसाले हम इसमें ऐड करेंगे और इसे चला लें और इसे अच्छे से पका लेंगे। और अब इसमें हम थोड़ी सी इमली के पल्प डालेंगे। अब हम इसमें थोड़े से इमली डालेंगे और इसमें थोड़े से टमाटो की प्यूरी डालेंगे। देखिए ये देखने में कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। और अब इसे हम मिक्स करेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। बहुत
अब इसमें अच्छे से उबाल आ गया है और हम इसमें मछली डालेंगे। इसे हम ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि मछली अच्छे से पक जाए। अब आप देख सकते हैं ग्रेवी कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है हमारा फिश करी। अब लास्ट में हम इसे धनिया पत्ता डाल करके इसे सर्व करेंगे। हमने खाना भी खा लिया और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी। बाय।